फाइनली एक लंबे संघर्ष के बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को मिल ही गया। अगर उनके परिवार वाले वक्त रहते सूझबूझ से काम लेते और उनके बॉडी का पोस्टमार्टम अगर वो पटना करवाते तो आज सुशांत का हत्यारा सलाखों के पीछे होता। ये भारत का ऐसा पहला केस है जहां सबूतों को इकट्ठा करने में पुलिस से ज्यादा सक्रियता मीडिया ने दिखाई है। अगर दिशा सालवान की दोस्त उनके बलात्कार की सच्चाई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा ना करती तो सुशांत की हत्या कब का आत्महत्या की काली चादर ओढ़कर सो चुकी होती। सुशांत की हत्या करने के बाद भी उनके हत्यारों का मन नहीं भरा। उन्होंने सुशांत को मानसिक रूप से बीमार और बलात्कारी तक घोषित कर दिया। इसके बाद उनके बूढ़े पिता के चरित्र पर भी उंगलियां उठाई गई। अपने पार्टी के युवराज के बचाव में संजय राउत ने कमीनेपन की हर हद पार कर दी। आदित्य ठाकरे के बचाव में वो कुछ इस कदर पागल हुए कि वो ये भूल बैठे कि वो खुद दो बेटियों के पिता हैं। और रही बात बलात्कारी की, तो बलात्कारी कभी किसी का सगा नहीं होता। हो सकता है जिस तरह बीते कल उनके पार्टी के युवराज का दिल दिशा सालवान पर आ गया था, उसी तरह आने वाले कल को उसका दिल आपकी बेटियों या फिर नतनियों पर भी आ जाए। ऐसे में आपकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि राजा के लिए सबसे अजीज उसका युवराज होता है, ना कि कोई कुत्ता। फिर आपके आज की ऐसी छिछोरी हरकतों की वजह से कल को उस स्थिति में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी आपके साथ खड़ी होगी और ना ही मीडिया। आपने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार सरकार आने वाले चुनाव में अपने राजनीतिक फायदे के लिए सुशांत के मामले को हवा दे रही है। रही बात राजनीतिक फायदे की, तो आप ही तो अपने पार्टी के फायदे के लिए ही कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आप बलात्कारी की ढाल बनकर खड़े हैं और सामने वाले बलात्कारी के विरोधी। अभी भी समय है, संभल जाइए, सच्चाई के साथ आ जाइए। रही बात पॉलिटिकल करियर की, तो उसकी बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, क्योंकि शिवसेना भारत की पहली या आखिरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। और वैसे भी आज देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का फेरबदल बहुत तेजी से चल रहा है। बस आपकी सही रास्ते पे आने की देर है। सामने वाली पार्टी पहले से ही फूल माला लेकर आपके स्वागत के लिए खड़ी है। सुशांत के मामले में हर किसी ने अपने आप को भरपूर तरीके से हाईलाइट किया, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, मीडिया हो या फिर उनके खुद के दोस्त। बॉलीवुड की हस्तियों ने नेपोटिज्म और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को बहुत अच्छे से उछाला। मीडिया रोज एक से बढ़कर एक स्टिंग ऑपरेशन और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज करती रही। कभी चाबी वाले, कभी ताले वाले, कभी दूध वाले, कभी खाने वाले, कभी एम्बुलेंस वाले, और ना जाने किन किन लोगों को बुलाते रही। वहीं दूसरी तरफ सुशांत के एक दोस्त ने फांसी पर लटकती उनकी लाश को छोड़कर उनकी बॉडी की तरह तरह से तस्वीरें ली, जैसे मानो वो उनका एल्बम तैयार करने वाला हो। वहीं उनके एक और दोस्त को उनकी हत्या के 67 डेज बाद ये याद आया कि मॉर्चरी में रिया ने उनके डेड बॉडी के सीने पर हाथ रखकर सॉरी बाबू कहा। इन तमाम तमाशे के बावजूद भी आज सबके हाथ खाली हैं। सुशांत की हत्या कल भी एक मिस्ट्री थी और आज भी एक मिस्ट्री है, और न जाने कब तक एक मिस्ट्री ही बनी रहेगी। अब रही बात रिया की, तो बेशक वो निहायती एक गिरी हुई लड़की है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए महेश भट्ट जैसे कब्र में गड़े इंसान के साथ भी हमबिस्तर होने से बिल्कुल नहीं कतराती। रिया शतरंज के बिसात पर इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सस्ती और आसान प्यादी है। इस पूरी शतरंज के बागडोर नेताओं और अभिनेताओं के हाथों में है। मैं ये नहीं कहती कि सुशांत की हत्या में रिया या फिर उसके बाकी दोस्तों का कोई हाथ नहीं, बल्कि सुशांत की हत्या इन सबकी मिलीभगत है। मगर इस मर्डर प्लानिंग का मास्टरमाइंड कोई और है।
आज सीबीआई कल तक कटघरे में खड़े उन तमाम नेताओं और अभिनेताओं को छोड़कर इनके पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गई है, क्योंकि इनकी उनके सामने कोई औकात नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे और पावर के चक्कर में बड़े अपराधियों की सजा भी इन्हें ही मिल जाए। 70% चांसेस है कि सीबीआई इस मामले को सुलझा लेगी और 30% से ज्यादा चांसेस है कि शायद सीबीआई इस मामले को ना सुलझा पाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने में काफी देर कर दी है, जिसका फायदा उठाकर राज्य सरकार ने सबूतों को मिटा दिया है, और जिन सबूतों को वो मिटा नहीं पाए या तो उन्हें खरीद लिया गया है या फिर उन्हें धरती पर से ही उठा दिया गया है। एक बात तो साफ है, एक बिहारी, वो भी खासकर राजपूत, अकेले ही हजारों पर भारी है। इससे भी पहले ना जाने कितनी बॉलीवुड हस्तियों की हत्या को आत्महत्या का रूप देकर रफा दफा कर दिया गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने इस बंदी बंधाई रीति को बदल दिया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने भी कम जादुई करिश्मे नहीं दिखाए। एक समय आज है जब शिवाजी राव के इतिहास को पढ़कर मराठाओं का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक समय कल भी आएगा जब ठाकरे परिवार के इतिहास को पढ़कर मराठाओं का सर शर्म से झुका होगा। मुट्ठी भर मराठियों ने पूरे मराठा समाज पर कभी ना खत्म होने वाला एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसके बाद मैं कंगना रनौत को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, जिसने अपनी पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी ये साबित करने में कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे जो पॉइंट्स उठाए गए थे वो कैसे थे, इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करने के बाद इसे सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।